एक्सरसाइज 4.9 का सम ई देखो इस दे विच असीं की करना है हुण इत्थे वी फाइंड द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई पता करना 7.24 मल्टीप्लाई 2.3 मतलब कि हुण दोनों नंबर्स दे विच डेसिमल आ इधर वाली साइड पर भी एंड नीचे जो नंबर लिखना वो भी इतने असं ए सम जो समझा उत्तर ओनली एक नंबर के नाल डेसिमल से दूसरे विच नहीं सी हुण ए किवें करांगे सॉल्व असी देखो जी पहला असी की करना 7.24 लिख लिया नीचे मल्टीप्लाई 2.3 लिख लिया हुण की करना वा वन प्लेस तो जिवें असी नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हुंदे उस तरह स्टार्ट कर लेना वा 3.4 दा 12 दा लगे 2 1 साडे कोल आ गया कैरी 3.2 दा 6 6 एंड 1 7 आ गया ठीक है जी 3.7 दा 21 21 असी सेम इस तरह उतार लिया इत्थे आंसर लिखण जो असी सॉल्व करदे हां उस विच असी डेसिमल नहीं लगावांगे ठीक है नॉर्मल इहनू मल्टीप्लाई कर लिया एक डिजिट नाल मल्टीप्लाई कर लिया तां असी इत्थे क्रॉस करता फिर सैकेंड नंबर लै लिया टेंथ प्लेस वाला 2.4 दा 8 2.2 दा 4 2.7 दा 14 आ गया नॉर्मल मल्टीप्लाई दे अकॉर्डिंग असी इहनू हुण की करांगे प्लस कर लांगे 2 आ जाएगा 7 एंड 8 15 1 इत्थे आया कैरी 1 एंड 1 2 2 एंड 4 6 ठीक है जी 4 एंड 2 6 इत्थे आ गया 1 6 हुण आ गया साडे कोल जिहड़ा भी आंसर आया असी हुण जिहड़ा डेसीमल आ उह किवें लगाउणा वा किन्ने नंबरस पहलां उपर छड्डे होए देखो इधरों डेसीमल तों बाद च किन्ने नंबर ने 1 एंड 2 एंड उस तो बाद इत्थे किन्ने नंबर छड्ड के लग्या होया 1 ठीक है साडे टोटल नंबर किन्ने हो गए 1 2 एंड 3 मतलब कि इस साइड तो असीं 1 2 एंड 3 नंबर छड्ड के डेसिमल लगाना इस साइड तो वनस प्लेस जिथों असीं काउंट करदे हां वनस टेंस एंड हंड्रेड्स ठीक है वनस टेंस एंड हंड्रेड्स मतलब तीन नंबर्स 1 2 एंड 3 हो गए 3 नंबर छड्ड के डेसिमल लगा लिया साडा आंसर आया 16.652